तो भाई लोगों, आज हम जा रहे हैं स्टेडियम घूमने, और हमारे साथ हमारे दो बड़े भाई हैं, तो आज स्टेडियम की तरफ सैर करते हैं। रायपुर के गड्ढे भी चलिए चलते हैं। आखिर हम स्टेडियम पहुंच चुके हैं। और ये भाई साहब
बाइक के साथ, हालांकि बाइक को पल्सर ही है, ज़्यादा भयंकर तो नहीं है। ये कुछ लोग यहाँ पे विचरण करते हैं। इस समय हम अत्यंत शुद्धि से, और भाई साहब जी भाई खतरनाक है भाई, ये छपरी लौंडे यहाँ घूमते हैं अभी लोग, ऐसे छपरी लौंडे आपको कहीं मिल जाएंगे। और इसी रास्ते के साथ आगे बढ़ते हुए सूर्यास्त होने का समय आ चुका है। ये देखिए बहुत सारे लौंडे यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं। ये हमारे मालिक साहब जो कि ब्लॉगर हैं, वो अब स्वयं साइकिलिंग चलाते हुए यहाँ पे छामेरू का पेड़ चारों तरफ गाजर घास, और ये आ चुके हैं। ये देखिए हमारे दूसरे बड़ा तरह में भाई साहब जो कि ब्लॉगर हैं, उन्होंने भी साइकिल कर साथ ही करा दी है। ये देखिए ये और ये गाय का बछड़ा बहुत ही प्यारा, सबका दुलारा। ये कुल्फी वाले, कुल्फी वाले, और ये ताऊजी यहाँ पे भुट्टे बेचते हैं। और ये देखिए कुल्फी के साथ ताऊजी पड़ा। ओह माय गॉड वाओ, ये हमारी गाँव माता। बिल्कुल एकदम प्रकृति का बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू, एकदम नेचुरल ब्यूटीफुल व्यू। और दो चार ब्यूटीफुल व्यू आगे भी चल रही है, क्योंकि हमारा फोकस कम रहेगा। और ये देखिए देखिए छपरी लौंडे बाइक वाले भक्त साहब बहुत ही तेज भाग रहे हैं। और उधर से एक कन्या माधवी आजकल हमने व्रत रखा हुआ, इसलिए इससे ध्यान नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखिए भर्ती वाले लौंडे कमांडो की तैयारी कर रहे हैं, पहले कमांडो की खड़े पहला। ओह माय गॉड वाओ, ये देखिए चार चार एक ही स्कूटी में तीन चार चार लोग बैठते हुए। देश विरोधी काम किए जा रहे हैं, तो ये लौंडे देश विरोधी काम कर रहे हैं। हम डब्ल्यूजी में बैठे हैं। अगर मैं भी ऐसा ही होता तो इनका सबसे पहले चालान काटता हूँ। 500 रुपये वाला, 500 से ज़्यादा, बिना हेलमेट भी नहीं पहना था, कम से कम 10-15 हज़ार रुपये। और ये देखिए सन पूरा
वेस्ट की तरफ डूबने लग चुका है। ऐसे टाइम पे व्यू बहुत ही बहुत बढ़िया। और यह है यूके ट्रिपल एससी का उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का सेंटर, जहाँ से सारे उत्तराखंड के जितनी भी वैकेंसी निकलती है सारी इसी जगह से निकलती है। ये उनका मुख्यालय है। तो आज हमारा सौभाग्य है होने के लिए भी आती है। और ऐसी प्रकृति के बीच बना हुआ है ऐसा सेंटर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एससी से बाहर निकल चुके हैं। तो हम रोड पे दो चार फोटो शूट की, तो अब यहाँ से आगे की ओर चलेंगे। और मौसम भी बारिश का हो चुका है। और ये देखिए बच्चे साइकिल पे राइडिंग कर रहे हैं। ये तो एक भैया हमें मिले थे, वो भी बोल रहे थे कि भाई मुझे भी दिखाओ इस ब्लॉग में, फिर उन्हें देर हो रही थी तो हाँ वो पाँव पड़ गए थे, पर हम निकले सख्त लौंडे, हमने मना कर दिया। और ये है मसूरी, तो अब चढ़ाई अच्छी है बहुत। और पीछे से गियर वाली साइकिल पे, और ये मैंने जाने तो अब हम ले जाएंगे, यहाँ चढ़ाई है बहुत। और भाई लोगों क्या हाल चाल? तो भाई लोगों मुझे बहुत ही थकाई लग गई थी, इसलिए मैंने बोला मेरे पास तो है नहीं साइकिल चलाना, यहाँ पे चढ़ाई थी इसलिए। और पीछे से आ रहे हैं हमारे भाई साहब साइकिल चल के। बड़ा आनंद आ रहा है। मस्त वाली हवा चल रही है। ये है महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज का पीछे वाला गेट, यहाँ से भी लोगों की एंट्री हो जाती है। महाराणा प्रताप कॉलेज उत्तराखंड का जाना माना कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज है। जो भी बच्चे अगर स्पोर्ट्स के इच्छुक हैं तो आ सकते हैं इस कॉलेज में। बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज है ये। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि देहरादून और मसूरी, तो मसूरी का रास्ता भी यही है। और देहरादून वापस आप जाना चाहते हो इस रास्ते से आगे अगर जाएंगे तो देहरादून में वापस आ जाएंगे। ये इस तरफ ये पूरा एरिया महाराणा प्रताप कॉलेज का। और ये है महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज जो कि इसका मेन गेट। अगर बैठा कर बैठा यार कॉलेज छोड़ो, एक कॉलेज ही तो है, फोटो कहीं खिंचाना है। यहाँ पे जनरल स्टोर, और ये बड्डा जी यहाँ पे बहुत ही मंद मंद मुस्कुराते हुए। यहाँ पे कुछ लोग अपना और इनकी लगता है बाइक खराब हो चुकी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे साइकिल करने आ रहे हैं, हम भी साइकिल करने आ रहे हैं। साइकिल का मजा
रही है वो है माँ देवता की तरफ। तो एक दिन माँ देवता भी चलेंगे। इस चौक का नाम है महाराणा प्रताप चौक। और माँ देवता यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 6 किलोमीटर माँ देवता दूर है। हम अगले दिन आपको माँ देवता भी जरूर ले जाएंगे। और ये रहे महाराणा प्रताप की स्मृति चिन्ह। ये है महाराणा प्रताप चौक, बहुत ही बेहतरीन। रुक रुक।